टिकट दो लेकिन उम्मीदवार एक। नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक ही उम्मीदवार। याकूब बिजंजो का टिकट लेने से इनकार। वो कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, ऐसा ही कुछ सियासी मैदान में भी फॉर्मूला आजमाया जा रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान में कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही शख्स के पीछे हाथ धो कर पड़ गयी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने NA 259 केच गवादर की नशिस्त पर एक उम्मीदवार याकूब बिजंजो को अपना पार्टी टिकट दे दिया। और दिलचस्प बात यह है कि याकूब बिजंजो का ताल्लुक इन दोनों जमातों में से किसी के साथ नहीं। याद रहे कि नून लीग ने 3 जनवरी को कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें याकूब बिजंजो का नाम भी शामिल था, जिसके चंद रोज बाद खबर आई कि याकूब बिजंजो ने नून लीग का टिकट लेने से इनकार कर दिया है। जबकि अब दूसरी जाने पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि याकूब बिजंजो ने पीपल्स पार्टी का टिकट कबूल किया है और वो बलूचिस्तान में कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे।